अब रुख करते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, बीजापुर में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है, पूरी जानकारी लेंगे आपसे। बिल्कुल सारिका, मैं बताना चाहूंगा कि बीजापुर जिले में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो चल रहा है और लगातार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं गांव-गांव और अंदरूनी क्षेत्रों में। वहां पे जाकर के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो सर्वेक्षण के दौरान काफी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे प्रयास कर रहे हैं कि सारी हकीकत जानने का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2003 से 2005 के बीच का जो सलवा जुड़ुम जो एक दौर आया था, सलवा जुड़ुम के तहत काफी ऐसे ग्रामीण नागरिक जो थे वो अपने अपने गांव से पलायन करके दूसरे राज्यों में जा बसे थे, या तो फिर वो जो है मुख्य धारा में लौटने के लिए कहीं कहीं और जगह जाके बसे हुए थे। उनकी जनगणना जो है 2011 में नहीं हो पाई थी, कारणवश आज जो जनगणना अब जो चल रही है, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो चल रही है, उसके तहत ये लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो उसमें आ सके, लाइन में जुड़ सके। और ये जो सर्वेक्षण चल रहा है इसमें जनपद स्तर पर जनपद सीओ या जिला स्तर पर जिला सीओ जो है ये खुद उसमें शामिल होकर के कार्य कर रहे हैं और ग्राम ग्राम में जा करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी ये जो बस्ती है, ये इस बस्ती में भी काफी जो है अधिकारी अभी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे वो सर्वेक्षण चल रही है। मैं फिलहाल आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा कि ये सर्वेक्षण में जो जानकारी प्राप्त तो हो रही है उसमें 2011 में जो छूटे हुए और जो लोग थे जिनके जनगणना नहीं हो पाई थी, सामाजिक आर्थिक में जो लोग नहीं आ पाए थे, वो लोगों को भी आर्थिक प्रयास किया जा रहा है कि उनको इसमें जोड़ा जा सके और पूरी पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जोड़ करके पूरा का पूरा उनका कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि अगर ये लोग सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में अगर ये नहीं आ पाते, नहीं जुड़ पाते हैं, तो इनका खामियाजा कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के इनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि इसमें जो है इनका राशन कार्ड वगैरह काम नहीं हो पाती है, या फिर आधार कार्ड नहीं बन पाता है, या उनसे जुड़े बैंक से जुड़े कुछ कार्य होते हैं वो काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की जो काफी परेशानियां जो ग्रामीण फेस करते हैं, ग्रामीणों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीजों को जो है इस सर्वेक्षण के थ्रू दूर किया जा सकता है। रही बात, मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, दूसरी तरफ आज बीजापुर में जो है कल से नगर पालिका के जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे गए हुए हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल पे जाने पे नगर पूरा का पूरा बीजापुर नगर जो है वो सुनसान हो गया है। सफाई टोटल बंद हो चुकी है, सफाई के जगह अलावा जो पानी की समस्या रहती है कि पानी खोलना और बंद करना, उसकी समस्या आ गई है। साथ ही साथ में जो कचरा कूड़ादान उठाने के लिए जो गाड़ियां आती थी वो गाड़ियां आना बंद हो गई है, जिसके तहत जो पूरे जिले में जो है कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि आज हमने एक ऐसा दृश्य भी देखा जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका जो सीएमओ है वो खुद ही सीएमओ जो है बंसीलाल नूरेठी वो खुद पानी खोलने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल पड़े थे और नगरपालिका अध्यक्ष जो है बेनूर रवतिया और वो स्वयं कचरे की गाड़ी लेकर के जो है नगर नगर और गली गली भ्रमण करके कचरे का ढेर उठाने को आतुर हुए और वो कचरे का ढेर उठा करके जो है डंप एरिया में लेके जा रहे हैं। और इससे ये सामना साबित होता भी है कि नगर पालिका में काफी सारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो मांगे भी काफी जायज मांगे हैं, क्योंकि वो तीन मांगों को लेकर के जो 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनमें से पहला मांग तो यह है कि वो प्लेसमेंट जो कर्मचारी हैं उनको नियमितकरण किया जाए और बाकी जो उनके तनख्वाह वगैरह है, वेतन वृद्धि है, वो सारी चीजों को किया जाए और 62 वर्ष की उम्र तक का जो है उनको ये परेशानी ना हो कि हमको कभी भी नौकरी से निकाला जा सके, ये संतुष्टि दिया जा सके। तो इस प्रकार से ये तीन मांगे हैं, तीन मांगों को लेकर के पूरे राज्य में जो है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जो जितने प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो सारे के सारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं बात करना चाहूं दूसरी तरफ से, तो आज जो है दो दो जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अजय सिंह जो पूर्व छत्तीसगढ़ आयोग के सदस्य रहे हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ आयोग के सदस्य हैं और जो कांग्रेस के भी सदस्य रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो है आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर में कि हाई मास्ट जो टावर लगे हुए हैं पूरे बीजापुर जिले में उसको लेकर के वो कुछ खुलासा करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा बैरमगढ़ हो गए या फिर बीजापुर में हो गए 62-62 लाख के जो है हाई मास्ट टावर जो लगे हैं ग्राउंड पर, उनको लेकर के वो बहुत बड़े कुछ सबूत के साथ में वो खुलासा करने जा रहे हैं। जो 12 बजे के बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसके तहत वो बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो है खरीद बिक्री में कितनी सारी जो है गड़बड़ियां हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर के वो खुलासा करेंगे। और दूसरी तरफ एक और जो है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से, जिसमें व्यापारियों को लिए काफी कुछ जानकारी दिया जा रहा है कि व्यापारियों का जो व्यापार किस प्रकार से जो ठप पड़ा हुआ व्यापार है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको गति देने के लिए, उसको उठाने के लिए किस प्रकार से जो है वो लोग काम करेंगे और कैसा उनका व्यापार बढ़ेगा, ये सारी चीजों को लेकर के आज पूरे बीजापुर में जो है जी बिल्कुल सतीश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।